सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और यार देखो, पबजी फाइनली प्ले स्टोर से जा चुका है। मतलब कितना भी सर्च कर लो, पबजी हो गया, पबजी मोबाइल लाइट आइटम नॉट फाउंड दिखा रहा है। उसके साथ ही जितने भी यार एप्स, अदर एप्स जो बैन हुए थे गाइस, कुछ भी पबजी मतलब कि हमको प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिल रहा है। बंदे परेशान हैं कि क्या करें, किस गेम में जाएं। कुछ लोग तो फ्री फायर में चले गए, बट यार एक पबजी वालों को भी एक ईगो है कि जिंदगी भर तो यार फ्री फायर टट्टी है करते रहे, और यार अब उसी गेम में जाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो यार जाहिर सी बात है, वो लोग कॉल ऑफ ड्यूटी में जा रहे हैं। बट यार कॉल ऑफ ड्यूटी के अलावा भी हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, और जो लाइट गेमर्स हैं जैसे कि पबजी लाइट खेलते थे, जो जिनके फ़ोन में उतना अच्छा रैम नहीं है कि पबजी खेल पाएँ और फ्री फायर में जाना नहीं चाहते, मतलब कि कॉल ऑफ ड्यूटी खेल पाए और फ्री फायर में जाना नहीं चाहते, तो गाइज उनके लिए भी एक ऑप्शन है, होपलेस लैंड। गाइस तुम लोग होपलेस लैंड ट्राई कर सकते हो। फ्री फायर जैसा ही गेम है, लेकिन यार फ्री फायर एटलीस्ट नहीं है। फ्री फायर नहीं हो तो यार ये अच्छी बात है कि फ्री फायर नहीं है। और उसके साथ ही जैसा कि मैंने बोला यार, अपना एक ईगो अलग ही है, तो यार वो ईगो भी बरकरार रहेगा। और जहाँ तक बात आता है यार अनबैन को लेकर कि आखिर पबजी कब तक अनबैन होगा, तो देखो यार सिर्फ अभी तक पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट बैन हुए हैं। पीसी वर्जन, एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन वाले यार अभी भी पबजी को खेल सकते हैं, क्योंकि यार उसको जो है यार टेंसेंट पार्टनरशिप नहीं है, टेंसेंट के पास 10% शेयर नहीं है उसके। तो जाहिर सी बात है यार, उस अभी हम लोग जो है जिनके जो लोग पीसी वगैरह खेलते गाइस, वो लोग अभी भी खेल सकते हैं, और स्ट्रीमिंग जो करते थे गाइस, वो लोग अभी भी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं पबजी पीसी की। और पबजी मोबाइल के अनबैन की बात रही तो यार देखो, अनबैन अभी तो होना फिलहाल पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो क्या है कि जो चाइना, जानते होंगे गाइस चाइना क्या करता है हमेशा, कि वो जितनी भी एप्स वगैरह हैं उनका खुद का अपना वर्जन बनाता है, मतलब खुद का बनाता है। और टेंसेंट ही वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है जिसमें जो कि यार हर जगह अपना मुंह मारती है, चाहे वो मैसेंजर्स ऐप हो या फिर कोई भी ऐप हो, यार सब टेंसेंट ही बनाता है, चाहे वो गेमिंग से लेके कोई भी ऐप हो, सब टेंसेंट ही वहाँ पर बनाता है। तो देखो यार अभी जैसे कि पता ही होगा, वहाँ पर भी पबजी मोबाइल बैन हुआ था, क्यों, इन्हीं प्राइवेसी रीज़न की वजह से, जो कि पबजी मतलब कि इंडिया में बैन हुआ है, इन्हीं रीज़न से वहाँ पर भी बैन किया था। बैन ये किया था कि डाटा बाहर ना चला जाए उनका, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया था। और फिर उसके बाद अनबैन हुआ है, लेकिन मतलब कि जब पबजी मोबाइल का एक चाइनीज़ वर्जन बना गेम फॉर पीस, जैसा कि सबको मालूम होगा गेम फॉर पीस सेम पबजी ही है, बस चाइनीज़ वर्जन है उसका, सारे के सारा जो लैंग्वेज चाइनीज़ में है, वहाँ पे इवेंट्स चाइना में चाइनीज़ के लिए आते हैं, तो ये पूरा का पूरा चाइनीज़ गेम है, तब जाके अनबैन हुआ वो। तो यार अगर इंडियन वर्जन बनाने के लिए पबजी तैयार हो जाती है कि हाँ वो लोग इंडिया के लिए भी एक इंडियन वर्जन बनाएंगे, जैसे कोरिया के लिए कोरियर वर्जन है, वियतनाम के लिए एक VNG कर गए गाइस, और चाइनीज़ के लिए पता है तुमको यार, तो वैसे ही इंडियन के लिए अगर ये लोग एक इंडियन वर्जन बनाने को तैयार हो जाते हैं इंडिया की किसी कंपनी से मिलके, क्योंकि अब देखो इंडिया में भी फॉलो हो रहा है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो गाइस जितनी भी चीज़ें यार अब इंडिया खुद बनाने का ट्राई कर रही है, ना कि बाहर से आकर। तो यार गेमिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है इंडिया में, जैसे कि मालूम होगा पबजी के आने के बाद से, तो इंडिया नहीं चाहेगी कि सारे के सारे जो पैसे यार गेमिंग के थ्रू विदेशों में जाएं, इंडिया के यहाँ पे कंपनियों को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे भी गेमिंग कंपनियाँ हैं, बट इतने हाई लेवल के गेम्स नहीं बनाए हैं इंडिया में, क्योंकि अभी तक उसकी डिमांड नहीं थी गाइस। लेकिन अब जैसा कि पबजी को देख के तुम लोग देख सकते हो कि अब गेमिंग का क्या मतलब कि इंडस्ट्री का क्या वैल्यू है इंडिया में, देख सकते हो हर बंदा मतलब लगभग गेमिंग पे चैनल हर बंदे का है, और हर बंदे के तो यार गेम खेलता ही है लगभग। तो यार ये जो है एक अपॉर्चुनिटी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए भी है कि वो लोग जो यार पबजी मोबाइल जैसा सिमिलर एक गेम बना सकते हैं, या तो उससे भी बेटर गेम हमको प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो यार जाहिर सी बात है पबजी के साथ कोलैब करके जो है पार्टनरशिप में पबजी मोबाइल को इंडिया में वापस ला सकते हैं। तो गाइस देखो पबजी वापस तो आना ही है, इतना तो सबको पता है। देखो अब किस रास्ते आएगा, किस थ्रू आएगा, वो अलग बात है। बाकी यार VPN वगैरह से बात जैसा कि रहा VPN वगैरह से चलने के, तो देखो यार VPN से चल तो जाएगा, लेकिन यार कुछ टाइम की बात है यार, देश के लिए इतना नहीं कर सकते क्या हम लोग जी। वैसे भी मैं भी कॉल ऑफ ड्यूटी पे शिफ्ट हो चुका हूँ, पबजी मोबाइल को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है,
अब बस वेट है यार कि कब पबजी के अनबैन से रिलेटेड यार कोई न्यूज़ आएगी और हम लोग वापस से जो है मतलब कि पबजी पर आ सके। देखो यहाँ पे पबजी मोबाइल तो फिर भी आने के चांसेस है, बट लाइट के लिए यार थोड़ी मुश्किल लग रही है हमको, लाइट के लिए थोड़ी मुश्किलें लग रही हैं। और इसके पे यार एक अलग वीडियो में मतलब कि अलग टॉपिक पे बात करेंगे। बाकी फ़िलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी यार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। पबजी से रिलेटेड यार इस पे अभी तुमको न्यूज़ वगैरह मिलती रहेंगे लगातार, तो यार तुम लोग भी अवेयर रहोगे, तुम लोग को भी मालूम होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।